अगर एक क्रॉस ड्रेस बॉय बाहर जाए तो ऐसा कौन सा मेकअप करे कि उसके अपने उसको पहचान ना पाए और लोगों को पता ना चले कि वो बॉय ही। हमारा चैनल आपको सिखाता है कि लड़कियों के कपड़े कैसे खरीदें और लड़कियों के कपड़े कैसे पहने, लड़कियों की तरह कैसे व्यवहार करें, और हमारा चैनल क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी न्यूज और रिव्यू भी बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले कृपया हमारे चैनल को चेक करें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए अच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो वेलकम गाइस, वेलकम सेम चैनल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। यार हमने लोगो चेंज कर लिया है, अभी आप देख सकते हैं ऊपर जो लोगो है वही हमारा लोगो रहेगा, पुराना लोगो हमने निकाल दिया है गाइस। चले गए साथ ये कमेंट्स में बात करते हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो इन क्रॉस ड्रेसिंग में जो काम में आता है वो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन किया है अगर ऐसा कौन सा मेकअप है जिसे हम करने से पब्लिक या हम के बीच में जाएं या मार्केट प्लेस पे जहां भी आउटडोर जाएं तो कोई हमें ना पहचाने के ये लड़का है, तो उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं आर्टिस्ट का नाम बताइए वीडियो में, जो हम दूसरों की वीडियो पर रिव्यू देते हैं गाइस। ऑलरेडी हमने वीडियो में उनके नाम और आईडी ऐड कर देते हैं ताकि उन्हें जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें या फेसबुक पे हो, लेकिन फिर भी वही क्वेश्चन करते क्योंकि वीडियो वो स्किप करते हैं, वीडियो सही से नहीं देखते। और दूसरे पूछते हैं कि आपकी इंस्टा आईडी फेसबुक आईडी बताइए, जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसी तरह हर वीडियो में ऐड करते हैं, वीडियो वो स्किप कर देते हैं, देखते नहीं गाइस। वो आप लोग की गलती, वीडियो सही से देखा करें। और मुझे लड़की बना तो यार कैसा लड़की बना सकते हैं गाइस, आप ये बताइए। आपके पास एक सेपरेट रूम हो तो आपको खुद को लड़की बनना पड़ेगा, आपको खुद को हमारी वीडियो या किसी दूसरे क्रॉस ड्रेसर की वीडियो देकर आपको सीखना पड़ेगा। बेकार जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए तो मेरे पास एक ही जवाब है। चलिए वैसे कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। हमने एक 3D में एनिमेशन वीडियो बनाया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अभी देखिए, अब ये एक मेल बॉडी है जो स्ट्रेट है, देख सकते हैं आप। हमने 3D में बनाया है एनिमेशन आपको समझाने में ताकि आसानी, हमने बहुत सी वीडियो में समझाया लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं। तो चले गए, हाफ बॉडी जो ऊपर की होती है उसे एक फीमेल जैसा पहले बना लेते हैं, ऊपर बॉडी ब्रेस्ट बना लेते हैं। ये तो आप लड़की जैसा बना सकते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख सकते हैं आप ऊपर की बॉडी जो है फीमेल जैसी बना सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं। ये हाफ बॉडी से जैसा आप मेकअप करेंगे ऊपर की बॉडी बनेंगे तो कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन जब आप आउटडोर जाएंगे पब्लिकली जाएंगे तो आप देख सकते हैं नीचे का हिस्सा जो मेल वाला ही रहेगा उस, और बैक साइड भी देख सकते हैं, इससे आपको पहचान लेंगे कि आप हिजड़ा है या किन्नर है, आपको हिजड़ा किन्नर समझ लेंगे, पहचान लेंगे। ऊपर बॉडी से आप लड़की नहीं बन सकते, आपको नीचे भी आपको देखना पड़ेगा, इसे भी इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। पहले हम इसकी कॉपी कर लेते ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब देख सकते हैं हमने जो पहली जो बॉडी बताई थी हमने, उसके जो कर्व जो है इसके हिप वेस्ट जो है हमने अंदर की तरफ कर लिया है जो एक लड़की की तरह होती है, और हम जो है इसको भी हिप्स जो है बम्प्स जो है हम अटैच करते हैं। जैसे कि हम इसे हिप्स और बम्प्स अटैच करते हैं और वेस्ट को अंदर करते हैं, कर्फ लाते हैं, तो देखिए आप कितना डिफरेंट आ चुका है। अगर आप ये दोनों को जो फीमेल ड्रेस पहना दें हम, तो कौन सी जो है इसमें कैरेक्टर जो है लड़की वाला लगेगा गाइस, आप खुद, आपको हमने एनिमेशन करके समझाया है। देखिए आप अगर आप दोनों को या साड़ी या गाउन या पहना दे तो कौन ज़्यादा लड़की वाला लुक आएगा। ऊपर बॉडी तो जो है लड़की का जैसा बन जाएगा, लेकिन नीचे से जो है आपको पब्लिक देख के जो है आपको आउटडोर में जो है देखकर पहचान लेगी कि ये हिजड़ा है, क्योंकि तो क्रॉस ड्रेसर तो कोई नहीं कहता, लड़का जब लड़की के कपड़े पहनता तो हिजड़ा ही कहते हैं उसे गाइस। ये मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे पब्लिक कहती है हमारी जनता। देखिए आप बैक साइड भी देखिए, आप साइड से भी देखिए, दोनों को अगर ड्रेसअप कर दें तो दोनों में से लड़की वाला लुक किसका आएगा गाइस। हाफ बॉडी तो ऊपर की लड़की जैसा आप सेम टू सेम बना सकते, कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन नीचे से पहचाने जाओगे गाइस, तो इसलिए आपको नीचे की तरफ भी आपको इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। अभी आप सोचें कि आपको नीचे का जो हिस्सा है, जो हिप्स है, जो वेस्ट है, वो लड़की वाला बने, देखें आप कितना डिफरेंट है, तो कैसा बनाएं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है फेमिनाइन वर्कआउट फॉर क्रॉस ड्रेसर, वो वीडियो हमारे आप उसमें जाके जो है चैनल पे आप देखें, आप वहाँ पर मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी गाइस। देखिए आप कितने चेंजेस हैं,
खाली इसमें डिफरेंट क्या आया, खाली हमने इसे हिप्स अटैच किया है और हिप्स जैसे अटैच होते ही उसकी पूरा लुक ही बदल गया। अब उसके बाद आप साड़ी पहने या लहंगा पहने या आप गाउन पहने या अनारकली पहने, जो ड्रेस फीमेल पहनती है वो पहने आप, और ऊपर बॉडी जो हाफ बॉडी है वो मेकअप करके और ब्रेस्ट लगा के आप, और नीचे की बॉडी में आप हिप्स बना लें तो आपको कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन खाली आप मेकअप कर लें और नीचे की ऊपर बॉडी जो ब्रेस्ट बना लें तो वो तो ऊपर हाफ बॉडी तो लड़की की जैसी लगेगी, लेकिन नीचे की बॉडी जो है एकदम स्ट्रेट मेल वाली लगेगी। आपको लोग देख के हंसेंगे और आपको पहचान लेंगे। नीचे की बॉडी को आप पे ध्यान दे काम करें, नीचे की बॉडी करने से ही जो है आपका लुक एक फीमेल वाला आ सकता है। जैसे कि आप, मैं एक साइड में वीडियो लगा रही हूँ, गाइस वो वीडियो को देख ले। अभी आप सोचते होंगे कि ये सैम के पास ये हिप्स यहाँ पर कैसे, जैसे कि मेरा जो बॉडी है वो एक फैट में है, एक मोटी हूँ मैं, और मोटे रहें या दुबले रहें आपका नीचे का हिस्सा एक फीमेल वाला आना चाहिए। जैसे कि आप कुर्ती पहने, लहंगा पहने, जो भी पहने वो आ जाए। अब लेफ्ट साइड में आप एक पिक जो देखी है आपने, मैंने यही ड्रेस के ऊपर मैंने एक वर्कआउट की एक वीडियो बनाई है, वो वर्कआउट करके आप अपने हिप्स जो है और कर्व बना सकते हैं फीमेल वाले, जैसे कि मैंने बनाए हैं। आप साइड में वीडियो देखेंगे। चलिए गाइस, हमने जो कोशिश की थी आपको समझाने की, वो गाइस टेक केयर, लव यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।